तकरीबन 560 ग्राम सोना जो इन लोगों ने विभिन्न घरों से चुराया था वो रिकवर हुआ है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 30 लाख रुपया है। और 1,41,000 रुपया इनसे नगद अभी तक रिकवर हुआ है। प्लस ये जो ताला तोड़ने के लिए और शटर तोड़ने के लिए कटर, प्लास, शैनी, हथौड़ी वगैरह रखते थे। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। खबर पटना से, जहां पर पटना में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है पटना पुलिस की तरफ से। दरअसल ये गिरोह त्योहार और शादी के मौसम में खाली घरों को निशाना बनाकर के वहां पर चोरी की घटना को अंजाम देता था और उसके बाद ये लोग बिहार से बाहर जाके छुप के रहते थे। ऐसे में पटना पुलिस ने करीब 6 महीनों में 21 से ज्यादा इस तरह घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले पर पटना के SSP मनवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी है। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि अब त्योहारों में गए परिवारों के घरों में चोरी घटनाओं को अंजाम देकर बंगाल और नेपाल जाकर छुप जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। बीते 6 महीनों में लगभग 21 घटनाओं को शातिर चोर गैंग के अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसका सफल उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शातिर चोर गैंग के अपराधियों ने शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में 8, पाटलिपुत्र इलाके में 8, वहीं दानापुर राजीव नगर इलाके में भी चोरी घटनाओं को अंजाम दिया था। इनके पास से पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा सोने के आभूषण, 1,98,000 चांदी के आभूषण और बर्तन, 1.5 लाख रुपए नगद, चोरी के दूसरे औजार और 3, 4 और 5 आभूषण दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया है। पटना के पौश इलाके में बने अपार्टमेंट को अपना ये निशाना बनाते थे, जिसमें पलम्बर मिस्त्री और AC मिस्त्री बनकर के जाते थे और बंद घरों की रिखी कर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लेकिन फिलहाल इनके पकड़ में आने के बाद एक बार फिर से बड़े चोर गैंग का खुलासा होने के साथ साथ अब चोरी की घटनाओं में कमी आने का अंदेशा लगाया जा रहा है। क्या कुछ शेयर है पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों, सुनवाते हैं आपको। ये पहले 10 चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है और वर्तमान में बेल पर है। ये लोग कलकत्ता में और नेपाल में भी जाके छिपते थे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के पश्चात। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी निशानदेही पे बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। तकरीबन 560 ग्राम सोना जो इन लोगों ने विभिन्न घरों से चुराया था वो रिकवर हुआ है, जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 30 लाख रुपया है। तकरीबन 1,95,000 चांदी, जिसकी बाज़ार की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपया है। और 1,41,000 रुपया इनसे नगद अभी तक रिकवर हुआ है। प्लस ये जो ताला तोड़ने के लिए और शटर तोड़ने के लिए कटर, प्लास, शैनी, हथौड़ी वगैरह रखते थे, ये इन लोगों से रिकवर हुए। इनकी गिरफ्तारी से अभी तक टोटल 21 टोटल चोरी की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। हम लोगों ने जो पीड़ित हैं उन लोगों को भी बुलाया है उनको आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए। इसमें जो 5 सुनार जो हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 1 महाराष्ट्र का भी है। तो ये लोग क्या करते थे कि जल्दी से उसको निपटाने के लिए कि पुलिस की रेट पड़ेगी फिर रिकवरी होगा, जल्दी जल्दी से वहाँ से उसके माध्यम से जो महाराष्ट्र के आगे सुनार थे उनको जल्दी जल्दी गला के सोना और चांदी गला के उनको आगे बेच देते थे ताकि हमारे यहाँ से रिकवरी ना हो। लेकिन क्योंकि इस पर बहुत क्विक एक्शन हुआ इसलिए आगे उसको खपा नहीं पाए थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सफलता है पटना पुलिस की, क्योंकि अभी झाड़े का सर्दियों का सीज़न है, इन दिनों में जैसे कुहासा होता तो इस तरह के गिरोह ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और इन्होंने अधिकांश जो घटनाएं भी की हैं वो छठ के टाइम पर, दुर्गा पूजा के टाइम पर की हैं, जिसमें अधिकांश जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, अपने गांव घर में जाते हैं त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए और घर बंद होता है। और इसके अलावा इनके साथ और भी कुछ अपराधकर्मी हैं जो भी गिरफ्त से बाहर, उनका उन्होंने नाम बताया है, उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद। आज शास्त्री नगर थाना में आप सभी को आमंत्रित किया है। शास्त्री नगर थाना के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक मध्य के नेतृत्व में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय के नेतृत्व में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चोरी करने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है, सफल उद्भेदन किया है, जिसने पिछले 6 महीने में तकरीबन 21 घटनाओं को अंजाम दिया था। पटना ज़िला के शास्त्री नगर थाना में तकरीबन 8 घटनाएं, दानापुर थाना में 8 घटनाएं, पाटलिपुत्र थाना में, राजीव नगर थाना में 3 घटनाएं, दीघा थाना में 1 घटना और बाईपास थाना में 1 घटना। इसके इन लोगों का अपराध शैली था कि ये लोग जो बंद अपार्टमेंट्स होते थे उन लोगों को टारगेट करते थे। ये AC मिस्त्री बन के या बिजली मिस्त्री बन के या फिर प्लम्बर बन के जाते थे वहाँ पे। अगर कहीं अपार्टमेंट में गार्ड भी होता था तो बोलते थे कि हम लोगों को फलाना
अपार्टमेंट में बुलाया गया है पानी का नल ठीक करने के लिए, एसी ठीक करने के लिए। उसी में ही देख लेते थे कि कौन सा अपार्टमेंट का लॉक लगा हुआ है और फिर ये रात को वहाँ पे स्ट्राइक करते थे। इस ग्रुप के कुछ जो अपराधकर्मी हैं पहले भी पकड़ा के जेल जा चुके हैं। अभी जो इस बार रेड हुआ है इसमें टोटल 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 ऐसे चोर हैं, अपराधकर्मी हैं जो कि चोरी का काम करते हैं, और 5 सोनार हैं जो कि इनसे सोना खरीदते हैं। जो 3 गिरफ्तार हुए हैं अपराधकर्मी, उसमें जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट सरगना है मोहम्मद शाकिर अंसारी, पिता मोहम्मद फिरोज अंसारी, ये दिगा एक्स PTI का रहने वाला है। उसके बाद मोहम्मद आसिफ, पिता मोहम्मद शौकत जो कि शाहगंज मोहल्ला सुल्तानगंज का रहने वाला है, और तीसरा मोहम्मद तालिब खान उर्फ बंटी, पिता मोहम्मद फिरोज जो कि जाफर गली सुल्तानगंज का रहने वाला है।